डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज पार्लियामेंट इन सिविक्स। वी ऑल नो पार्लियामेंट, अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स संसद। सो द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज दे हैड गेन्ड सम एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटिंग इट अंडर द ब्रिटिश रूल्स एंड देयर वर एडवांटेज इन काउंटिंग द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन। सो दैट फील दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव अ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू दैम। इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। सो दैट्स वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन चूज पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को जब हमारे भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी तो एक ऐसे सिस्टम की नीड थी जो कि वो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो इंडिया ने एक ऐसा सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज़ किया। इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर इज़ नोन एज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट is union legislature in India is called the parliament, or it is the highest law making body in the country. It consists of the president and the two houses, namely the Lok Sabha and the Raj Sabha. The members of the Lok Sabha and the Raj Sabha are called members of parliament. जो members होते हैं हमारे parliament में, दो सदन होते हैं, लोक सभा और राज्य सभा। और जो लोक सभा के जो members होते हैं that is called members of parliament, MPS. The Parliament hold its sessions meeting at Parliament House, Sansad Bhavan in New Delhi. और ये जो Parliament की meeting होती हैं ये सारी New Delhi में, दिल्ली में होती हैं। So the Union Legislature in India is called the Parliament, Sansad. This is the picture. ये जो Parliament House New Delhi में है इसके picture हैं, आपको उसमें picture दिखाई दे रही है। That is Parliament House, Sansad Bhavan, New Delhi. Two houses of Parliament is, first is Lok Sabha and second is Raj Sabha. First picture we can see there is Lok Sabha, और इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से लोकसभा की मीटिंग होती है। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा का सिस्टम क्या होता है, वी डिस्कस अबाउट दिस। सो लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ लोअर हाउस। जो लोअर हाउस पार्लियामेंट का होता है दैट इज़ कॉल्ड लोकसभा। एट प्रेजेंट इट कैन हैव अप टू 545 मेंबर्स, और थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 552 सीट्स इन द लोकसभा। द नंबर ऑफ सीट्स विल रिमेन फिक्स्ड एट 545 टिल द ईयर 2026। मीन्स इसमें ये जो बताया गया है कि जो लोकसभा है ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोअर हाउस के नाम से जानी जाती है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ मोर पावरफुल ऑफ द टू हाउसेस एंड कैन प्रोसीड द ओवर रूल द राज्यसभा। जो पहला हाउस है वो लोकसभा होता है और ये राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें 552 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग बताए गए हैं इसमें लोकसभा में हैं, और ये 5 ईयर्स के लिए एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है। लोकसभा के बारे में अगर हम और डिटेल स्टडी करें तो वी कैन टॉक अबाउट कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे नॉमिनेट अप द टू मेंबर्स फ्रॉम एन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एनफ मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट दैट कम्युनिटी। द लोकसभा हैज़ अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड इट मे बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट बिफोर ऑफ इट्स टर्म। ऑल्सो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी टर्म्स मे बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट पीपल द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, और इसमें को जो टू मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। एंड द लोकसभा के जो कार्यकाल लगभग 5 ईयर्स का होता है, किसी किसी इमरजेंसी सिचुएशनों में 1 ईयर एक्सटेंड हो सकता है।
इलेक्शन ऑफ लोकसभा, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इलेक्शन में लोकसभा में पार्ट ले सकते हैं? सो इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट लीस्ट वन एवरी 5 ईयर्स में एक इलेक्शन होते हैं जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू एज मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज देयर आर सीट्स इन द लोकसभा, जो इलेक्शंस के लिए हर को सब क्षेत्रों में बांटा जाता है पूरे देश को, ताकि वहाँ का हर क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़ा हो सके। द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट द मोर पॉपुलेटेड स्टेट्स हैव मोर सीट्स इन द लोकसभा। और ये जो क्षेत्र होते हैं ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रतिनिधि अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा आप जो देख रहे हैं ये पिक्चर राज्यसभा की है। अब राज्यसभा क्या होते हैं? राज्यसभा जो सेकेंड हाउस है हमारा पार्लियामेंट का, दैट इज़ राज्यसभा। द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट कैन हैव अप टू 250 मेम्बर्स इंक्लूडिंग 12 मेम्बर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज़ 245 मेम्बर्स, 12 नॉमिनेटेड एंड 223 इलेक्टेड। द इलेक्टेड मेम्बर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, एंड द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स हैव मोर मेम्बर्स प्रेजेंटिंग दैम। द मेम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरेटरीज आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट। राज्यसभा ये अपर हाउस पार्लियामेंट का है, इसमें 250 मेम्बर्स हैं, 12 मेम्बर्स जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों के मेंबर्स को इनमें शामिल किया जाता है। हु कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? अब राज्यसभा के लिए कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं और उनकी क्या क्राइटेरिया है? दैट इज, फर्स्ट हैज़ टू बी एन इंडियन सिटीजन एज एट लीस्ट 30 ईयर्स। जो राज्यसभा के जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं उनका इंडियन सिटीजन होना और 30 ईयर्स एज उनकी रिक्वायरमेंट है। शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट और मेंटली अनसाउंड, मतलब वो कहीं भी अपराधी या मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीज गवर्नमेंट जॉब। और जो थर्ड नंबर पर है कि वो कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट नहीं हो, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, सो अगर हम इनकी कंपैरिजन के बारे में बात करें, सो लोकसभा इज़ अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, इसमें पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। द लोकसभा पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्स, इसमें हर व्यक्ति का एक वोट कीमती होता है और कॉन्फिडेंस होता है इसमें, किसी को शो नहीं किया जाता उसने किसको वोट दिया है। द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, अगर चाहें तो प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकता है। एंड द राज्यसभा इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, और जो राज्यसभा होती है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम।